वैसे मैंने एक जॉब ललित को भी ऑफर किया था बट शायद उसे पसंद नहीं आया। लेकिन नितिन जी आप इतने बड़े आदमी और ये काम नहीं त्यागी। अब हम सिर्फ आदमी हैं, बड़े नहीं। आपकी उम्र को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए बट मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप एक काम करिए, मैनेजर से मिलकर अपना चार्ज ले लीजिए, मैं उसे फोन कर देता हूँ। जी त्यागी, एक फेवर और हो सकती? बोलिए नितिन जी। अगर कुछ एडवांस मिल जाए तो ओके। देखिए नितिन जी, इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये 4,000 रुपये पड़े हैं, इसे आप एडवांस समझ कर रख लीजिए। थैंक यू। कुसुम ये ले। अरे आ गए आप। क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हैं। क्यों नहीं, नौकरी जो मिल गई मुझे। अच्छा, हाँ। कहाँ? है एक मल्टीनेशनल कंपनी है और मुझे कंसल्टेंट की पोस्ट पर रखा गया है। कुसुम बेटी, ये कुछ रुपए हैं, इन्हें रखिए। एडवांस मिला है बेटी और नौकरी भी अच्छी है, बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। रख लो बेटी। लेकिन पापा, आपको अब हम लोगों की वजह से इस उम्र में काम करना। बेटी, मैं इस घर का सबसे बड़ा हूं और मेरा फर्ज भी ज्यादा बनता है। अगर हमें भी काम मिल जाए तो घर के हालात सुधर सकते हैं। कल कुछ और ऑफिसेज में जाते हैं, शायद नौकरी मिल जाए। कुसुम बेटी, कौन कहेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? जिसके दो भाई उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो, उसे बुढ़ापा कभी छू नहीं सकता। देखिए, वैसे तो अच्छा ही हुआ, घर के हालात और बिगड़े उसके पहले ही आपको काम मिल गया। आपकी कंपनी का नाम क्या है? मैंने कहा ना सर, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। फिर भी नाम तो होगा। नाम है पत्नी हूं आपकी, कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलिए। नहीं सर, वो वाकई एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और अच्छा, I'm sorry, मैंने तुमसे झूठ बोला। इंशाल्लाह क्या करूं मैं? बस सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताओ, मुझे तो गर्व है कि आप मेरे जीवन साथी हो। चलिए अब सो जाइए, कल काम पे जाना है ना। चल। कुसुम बेटी, मेरी टाई देना बेटा। भाई साहब, इतनी जल्दी? कपिल, नई नई जॉब है, थोड़ा सिंसियर तो रहना ही पड़ेगा। थैंक यू। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप इस तरह काम पर जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुसुम बेटी, घर की सारी जिम्मेदारियां तो तुम संभाल कर बैठी हो, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है।
अभय और इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, बाहर का काम हम तीनों पर छोड़ दो। क्यों लाली कपिल? हाँ बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर ने तो आपको आराम करने के लिए कहा है ना? बेटी वहां मुझे कहां मेहनत का काम करना है, बस एसी ऑफिस में बैठना है और सिर्फ एडवाइस ही तो देनी है। और यह घर पर बैठकर मैं करूंगा क्या बेटी? चल दो बेटी। आप लोग क्या सोच रहे हैं? यही कि भाई साहब काम पे जा रहे हैं और हम लोग इस तरह। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चाचू, मुझे पूरा विश्वास है आपको भी बहुत जल्द एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी जब इस घटिया जगह से हमें छुटकारा मिलेगा। ये आपका यूनिफॉर्म है, इसे यहां जाकर चेंज कर लीजिए। Congratulations. आप गोडाउन में जाकर अपना चार्ज ले लीजिए। साफ करके देना, मुझे तो दिखाई नहीं देता। मैं जाके तब तक सब्जी काटती हूँ। माही तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। कम ऑन मम्मी जी, जब देखो हम सबको घर से बाहर ही निकालती रहती है, कभी तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझाना चाहती हो माही? दरअसल मुझसे मम्मी जी और डैडी जी की हालत देखी नहीं जा रही है, इसलिए सोचा के थोड़ी मदद कर दूं। मम्मी जी ये लीजिए पैसे। मम्मी जी रख लीजिए, आप ही के हैं। बड़ी बेशर्म हो माही, लगता है सीधी सादी बात तुम्हें समझ नहीं आती। तुम ऑलरेडी हमें बहुत दुख दे चुकी हो माही, और तुम्हारी इस हमदर्दी की तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब हैं यहाँ एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। कुसुम, इस डबल स्टैंडर्ड जिंदगी से बाहर निकल। वैसे तो अपने परिवार को संभालने का दम भरती हूँ और अपने ससुर से काम करवाती हूँ। बहुत खुशी होती है मुझे माही, बहुत खुशी, ये सोचकर कि मेरी इस लड़ाई में पापा मेरे साथ हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ। और तुम नौकरी करने की बात कर रही हो ना, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे विचार तुम जैसे नहीं, इसलिए पापा किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा नहीं मानते। और वैसे पापा एक बहुत अच्छी कंपनी में एक कंसल्टेंट है और एक बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है। इसका मतलब डैडी जी ने आप सब लोगों से झूठ बोला है। अब तुम यहां से चली जाओ। मैं आपके इस रिएक्शन का मतलब नहीं समझी।
इसका मतलब है कि आपको पता है कि डैडी जी क्या जॉब कर रहे हैं। लो कुसुम, तुम्हारी मम्मी जी ने तुमसे झूठ कहा है। वो जानती है कि डैडी जी क्या कर रहे हैं। चलो तुम्हें बता देती हूँ कि कैसी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अरे बताना क्या है, चलो ना तुम्हें दिखा देती हूँ, अपनी ही आंखों से देख लो। चलो ना, जाकर आराम करो। साहब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा पगार कट जाएगा साहब, मेरा घर का बाल बच्चे का खर्चा कैसा चलेगा। मैं सब संभालूंगा, जाओ। डैडी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा यकीन मानिए, मैं कुसुम को यहाँ नहीं लाना चाहती थी, लेकिन क्या करती, मजबूर थी ना मैं। इस उम्र में आपको ये सब काम करते हुए मैं नहीं देख सकती। हाँ डैडी जी, और तुम देख लिया तुमने खुद अपनी आंखों से अपनी जिद का नतीजा। चलिए बाबा। रुकिए, ये इस तरह से ऐसे नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो पैसे इन्होंने एडवांस में लिए हैं वो अभी तक तो चुके नहीं हैं। इन्होंने आपसे जितने भी पैसे लिए हैं वो मैं आपको लौटाऊंगी। तो ठीक है, आप पैसे चुका दीजिए, तब चाहें तो ये जॉब छोड़कर जा सकते हैं। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। लेकिन प्लीज, सिर्फ 3 दिन। ओके, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, अगर तुम 3 दिन में पैसे नहीं लौटा पाए तो इन्हें फिर जॉब पर वापस आना पड़ेगा। ये 4,000 रुपए कुसुम तुम इतनी आसानी से नहीं चुका पाओगे। भाई साहब, आपने हमसे छिपाया और ये काम? हाँ, मैंने तुम सबसे ये बात छिपाई। अगर मैं सबको ये बात बताता तो क्या तुम सब मुझे ये काम करने देते? घर का खर्च, अभय की दवाइयाँ। अच्छा, आप सामान ढो रहे थे? मेरे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, मेरे लिए काम सिर्फ काम है। भाई साहब, मैं आपके नजरिए की इज्जत करता हूँ, लेकिन अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। आज काम नहीं है, कल मिल ही जाएगा, लेकिन प्लीज भाई साहब ये काम मत कीजिए। देखो कपिल, मेरी बात समझ ले। पापा, आपको मेरी कसम है पापा, अब आप वहां काम नहीं करेंगे।
चलो अभय अब। अब से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाऊंगी। तुम ही बताओ, अगर आज तुम पूरी तरह ठीक होते क्या तुम पापा को काम करने देते? नहीं ना, इसलिए तुम्हारी कुसुम भी ऐसा नहीं होने देगी। इसलिए मुझे कल से नौकरी ढूंढने जाना होगा। मैं जानती हूं तुम अकेले पढ़ोगे, लेकिन मैं वादा करती हूं कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। रोना धोना बंद। कुसुम बेटा जा रही है तू? हाँ मम्मा। बेटा कितनी जिम्मेदारी है तेरे सर पे, पता नहीं तेरे में इतनी शक्ति कहाँ से आती है। घर अभय अब ये नौकर, ये घर ये परिवार ये सब मेरी जिम्मेदारी है और अभय मेरा फर्ज है। मम्मी मेरी जिंदगी है वो, और जिंदा रहने के लिए तो हर कोई कोशिश करता है, मैं भी कर रही हूँ। वक्त बदल गया, जमाना बदल गया, पर मेरी कुसुम नहीं बदली। और मेरी मम्मी भी कहाँ बदली, अब भी बात बात पे रो पड़ती है। संभल के जाना और अच्छी खबर लेकर आना। चलो कुसुम, मैं और ललित दोनों तैयार हैं, हम भी साथ में चलते हैं। सबर की जाना। हे भगवान, इनकी मदद करना। सॉरी मिस कुसुम, इस जॉब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एनफ नहीं। मेरी क्वालिफिकेशन मुझे समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन खोट मेरी क्वालिफिकेशन में नहीं है, खोट आप लोगों में है। प्रॉब्लम यह है कि आप सबके सब सबके सब बिक चुके हैं। आज मेरे हाथ में है कुसुम। मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं कुसुम, हर वो रास्ता जो तुम्हारे परिवार की खुशहाली तक पहुंचे। मां तुम्हें मैं खड़ी हूं, तुम क्या मेरा रास्ता बंद करोगी? मां तुम तो खुद ही रास्ते की धूल, और तुम शायद हमेशा ये बात भूल जाती हो कि मेरे लिए मेरी ताकत कपूर इंडस्ट्रीज नहीं बल्कि मेरा परिवार है। और अब तो लगता है तुम भी ये बात मानने लगे, तभी तो ना चाहते हुए भी मेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ सकती। तो आंखें खोलो माही और सच्चाई का सामना करो, क्योंकि सच्चाई सिर्फ यह है कि सब कुछ पाने के बाद भी तुम बिल्कुल अकेली हो। ना तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है और ना ही तुम्हारा पति, लेकिन मेरे पास मेरा पति, मेरा परिवार और सारी खुशियाँ हैं। और इस ताकत की वजह से माही, चाहे मेरे रास्ते में कितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, हम सब मिलकर इन मुसीबतों का सामना करेंगे। और तुम जैसा कोई भी कांटा
हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। सच कहूं कुसुम, तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने में जो मजा है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी जीत से भी बढ़कर है। So, let's play.